चारों तरफ से जो दरवाजा बंद करते हैं ना, तो उनके लिए ऊपर वाले कहीं ना कहीं एक दरवाजा खोल के रखते हैं। और ये मेरा दरवाजा आसमान पर खुला हुआ था, मैं उसी तरफ भटक रहा था और भटकते भटकते शाम का समय था। और शाम का समय में मैं कहाँ पे गया था, मार्केट जा रहे थे, बोला चलो फॉर्म देख लेते हैं, फॉर्म जो निकलता है वहाँ पे। तो फॉर्म में जब गया वहाँ पे देखने के लिए, तो उसी बीच मेरे को एक स्ट्रेंजर पर्सन मिला, एक अनजान आदमी मिला। और अनजान आदमी मिला और हमसे बात करने लगा, बोला भाई आज के डेट में आप करते क्या? तो मैं बोला क्या बात है, मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, बस पढ़ाई कर रहा हूँ। और हमको जो बोल रहा था सुन तो हमसे भी छोटा था, ठीक है, जो बोलता है इनवाइट करना है, तो बंदा इनवाइट करने लगा कि क्या करते हो? मैं बोला कुछ नहीं करते, पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हो? हाँ। पढ़ाई के साथ साथ में कुछ करते नहीं हो? मैं बोला क्या करना है? तो सर आप चाहते हो कि कुछ करें, कुछ पैसा कमाए करते हुए? बोला यार इतना छोटा लड़का, मैं बोला तुम्हारा कहाँ घर है? हाँ। तो बोला मेरा यहाँ से घर है, बस तुम पैसे कमा दो। बोला हाँ सर, हम पढ़ाई करते हुए अपना खर्चा, जो पहले खर्चा मेरा पापा मम्मी देते थे ना, वो पैसा नहीं लेते हैं, उसका पैसा यहाँ से इनकम करते हैं। तो बोला कैसे करते हो? तो पढ़ते हुए करते हैं। बोला कौन सा पढ़ाई करते हो? तो बोला कंप्यूटर करते हैं। और कंप्यूटर वहाँ भी पढ़ते हैं, और पढ़ते हुए मेरा इनकम आता है। तो बोला कैसे आता है? तो सर इसलिए फॉर्म आता है, फॉर्म निकलता है, और फॉर्म भरना पड़ेगा, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा फॉर्म का ना, तो उसके बाद आपको जाना पड़ेगा, आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में पास हो जाएंगे ना तो क्या आपको पैसा मिलेगा। कब होता है? डेट निकलने वाला है। ये तो मैं आपको दिखा ना इस तरह, तब मैं आपको बोल दिया, मैं किसी को बताता नहीं हूँ। बोला अच्छा तो कब निकलेगा? तो बोला निकलेगा तो मैं बताऊंगा। मैं नंबर दे दिया, उसे मैं मोबाइल नहीं था, पीएनटी चलता था मेरा, जहाँ पे रूम मेरा था वहाँ पे पीएनटी था, उसका नंबर दे दिया। नंबर देने के बाद लड़का मेरे पास दो दिन के बाद कॉल किया कि भाई फॉर्म निकल गया है। बोला फॉर्म निकल गया? बोला क्या करना पड़ेगा? बोला आ जाइए, जहाँ पे मिले तो वहाँ पे मिलेंगे। बोला अच्छा ठीक है, कब आना है? बोला कब आना है? आए, उसके बाद मेरा फॉर्म भरा और बोला चलना है आपको। मैं बोला कहाँ चलना है? बोला रांची चलना है। रांची? बोला हाँ, वहाँ पे इंटरव्यू होता है, वहाँ पे लोग आते हैं, तभी तो आपको सिलेक्शन करेंगे ना। तो मैं सोचा यार थोड़ा रांची पता नहीं कुछ हो सकता है अच्छा चीज हो, तो मैं सोचने लगा। बोला कल चलना है। तो मैं जब रूम में गया तो मैं सोचने लगा कि यार क्या पता सही है या गलत है, पता नहीं क्या है, जाए कि नहीं जाए, जाए कि नहीं जाए। तो फिर एक अंदर से आवाज आया कि नहीं जाओ, हो सकता है कि अनजान के रूप में भगवान भी मिल जाते हैं। बस स्टैंड में जब मिला ना, वहाँ पे क्या देखा, बहुत सारा स्टूडेंट,
स्टूडेंट भरा हुआ है, कहाँ रांची जाने के लिए, एक ऐसा मिठाई था। तो मैं उससे पूछ रहा था, सब जल गया और मैं तुम कहाँ जा रहा हूँ, रांची जाने के लिए। तो मैं इंटरव्यू करूँगा, हाँ जल गया, उससे पूछे तुम कहाँ जा रहा हूँ, रांची जा रहा हूँ। तो उधर पूरा बस खाना है, मतलब क्या होता है, क्या कैसे होता है, सब उल्टा मानी हो जाता है। वैसा सब खाना है, पूरा बस खा रहा है, हाँ चल चल पटपट बस घूम रहा है, सोशल मीडिया जा रहा है। जब मैं वहाँ पे गया तो मेरे को लगा यार लग रहा है कि बढ़िया जगह पे जा रहे हैं, इतने लोग जा रहे हैं साथ में, बढ़िया जगह है। जब मैं रांची गया तो वहाँ पे भी क्या देख रहा है, बड़ा सा हॉल, बड़ा फील्ड, सारे लोग लाइन में लगा हुआ है इस तरह की कार्ड लेके, जैसे आर्मी का रैली ना होता है, हाँ उस तरह लगा कि यार सच में हो ही जाएगा। ठीक है, सारे लोग पूरा लाइन में लगा हुआ है, एक कार्ड लेके खड़ा है, तो हम भी खड़ा हो गए एक कार्ड लेके। भगवान लगाया और बाहर में मेरा जो खड़ा है 50
के पहला नंबर गाड़ी का नंबर मेरा यही है। इतना रुपये लगाया और 50 लाख का इसको बाहर खड़ा है। मैं उस समय जिसमें लगा रहा था भाई, उस समय मैंने सोचा था इतना हो जाएगा। जब लगाने के बाद लगाया, काम करना चालू किया, काम करते गया करते गया करते गया, बहुत बार जब काम होता था काम नहीं होता था। क्योंकि जब आप काम करोगे ना तो सबसे बड़ा चीज क्या है कि लोगों को सुनना पड़ेगा, लोगों को ताना को सुनना पड़ेगा। आपको ट्रेनिंग में बुलाया जाता है, अभी तो बहुत आसान हो गया है, पहले जिसमें हम लोग वही तो बहुत टफ था। अभी आप मोबाइल से 24 घंटा बात कर लेते, उस समय 24 घंटा नहीं होता। अभी फेसबुक है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, सब दिखा देते हैं दूर के लिए, उसमें दिखाने के लिए कुछ नहीं था। बहुत मुश्किल हुआ था जिस समय मैं ज्वाइन किया था। मुश्किल क्या था कि मेरा जितने लोग घर में है, जितना फैमिली परिवार है, सबको नौकरी करता है, सबको सरकारी नौकरी करता है, लेकिन मैं एक बंदा हूँ शहर का जो मैं
जब मैं अवसर गाड़ी लिया, मैं माँ को भी बैठाया, लेके गया शाम में माँ को बैठाया, बोला चलो पूजा कर दो, तो बोला ठीक है चलो घर से लेके बैठा के गए मंदिर में पूजा करने के लिए। पता है मेरी माँ को भी विश्वास नहीं हो रहा था, जब वो पूजा कर रही थी, पूजा की आंखें उतारी, टीका लगा रही थी, पहला टीका थी मेरे तब देखिए बेटा अंदर है ना, दूसरा बस सही बोल रहा ना, तीसरा हाँ पांच टीका खींची और पांच बात मेरे को सुना, हम बोले खींचो तो यार पूजा पर मेरा नहीं है, तो फिर माँ को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इसका डाल दो, सोच सकते हो। तो जब वो हो गया, गाड़ी हो गया, गाड़ी में जब बैठा के लाया, मैं बोला हाँ हाँ गाड़ी मेरा ही है, ऐसा मत लो बेटा तुम्हारा गाड़ी है। जब गाड़ी पर बैठा के ले गया था घर, जब गाड़ी लिया टू व्हीलर लिया तो इतना खुश है, मैं बैठाया तो इतना खुश है, जब मैं फोर व्हीलर लूंगा और फोर व्हीलर में बैठाऊंगा तो इतना खुश है। और जब घर गया, घर आने के बाद पता है वो गाड़ी को मैं एक महीने तक घर में छोड़ दिया, एक महीने तक, काहे के लिए कि लोग बोलता था कि किसी का दूसरा घर रहेगा तो लेके चला जाएगा, इसी वजह से मैं छोड़ दिया घर में रहो और मैं निकल गया। जब घर में रखा उसके बाद भी एक महीना बाद आया, सब आके देख रहा था, बाहर में लगा हुआ था, अरे अभी तक गाड़ी ले नहीं गया, दूसरा घर में तो लेके चला जाता, हाँ विश्वास नहीं हो रहा था, तो रहने दिया। उसके बाद आया एक महीने बाद कि मैं अपना माँ को बोला कि माँ जो मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक चीज है, अगला जब घर आऊंगा ना तो ऐसे नहीं आऊंगा, बोला बोला जब भी घर आऊंगा तो फोर व्हीलर ले जाऊंगा। ठीक है कौन देगा बेटा, बोला देगा ऊपर वाला, ठीक है बोला अच्छा ठीक है, लेकिन ऐसा बात करना बीच बीच में आ जाना कोई दिक्कत नहीं, जब बोली दीवानी पर दिमाग होगा ना तो घर आ जाना, बोला ठीक है रिलीफ नहीं होगा आप लोग को, क्योंकि दोस्तों मेरे को जो काम कर रहा वो मेरे को दिखाना और आने वाला बंदा मैं छोड़ जा रहा हूँ, आएगा करके दिखाना। देखिएगा ये चीज आप लोग के साथ में होगा, जब मैं ज्वाइनिंग लिया था ना ट्रेनिंग मिला था बेसिक ट्रेनिंग, आप लोग को भी मिला होगा, ट्रेनिंग में वो सपना बनाया जाता है, ये लिखो व्हाइट पार्ट रिन सेट करो, रिन सेट करा तो मोबाइल लेना है, बैग लेना है, गाड़ी लेना है, सब हुआ। और जब मेरे को इन्विटेशन सिखाया कि इसको करना उसको करना उसको करना है, तो सबसे पहला मैं बड़ा खुश हुआ और सबसे पहला मैं कहाँ गया इन्विटेशन करने के लिए, अपना दोस्त के पास, पुरोजी दोस्त था मेरे साथ में पढ़ता था, तो मैं उसको बताया यार मैं यहाँ पे ट्यूशन दे रहा हूँ, कंप्यूटर कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ और मेरा इनकम गिरेगा। आया बोला अभी आया नहीं, आने वाला है, आने वाला है, बोला आने वाला है तो तुम मेरे को जब आएगा ना तो मेरे को एक चीज दिखा देना और एक चीज दिखा देना उसी मैं एडमिशन कर लूंगा। बोला एक चीज, बोला हाँ देखिएगा बहुत सारे लोग आपके साथ में ऐसा होगा जो रिलेशन वाला है वो भी विश्वास नहीं करेगा, बुआ जी दादा जी नाना जी नानी जी काका जी जो भी हो, बुआ बेटा मामा बेटा वो ज्यादा विश्वास नहीं करेगा। पता है दोस्त इस बिजनेस में सबसे ज्यादा जो विश्वास करेगा वो कौन करेगा, वो करेगा स्पेशल पर्सन, करता है कि करता है। देखो मायूस मत हो ना, मैं बता रहा हूँ ये चीज, आप जिस जगह पे आपको उस जगह पे चलना चालू किया, मैं पहले ही बता देता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम आपके साथ में होगा, उससे आप घबराना कभी मत, क्योंकि मेरे साथ में हुआ था। जो मेरा क्लोजी था वो गंगा के पास में गया, मेरा रूम का बगल में आता था, जब उसके पास में गया बोला दिखा देगा पहला सेट ना उसी दिन मैं एडमिशन करवा लूंगा, मैं बोला ठीक है।
दिखाऊंगा। अब क्या हुआ, काम करना चालू किया, काम करना चालू किया, मेरा क्या हुआ था, चेक नहीं आ रहा, चेक क्यों नहीं आ रहा था पता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एडिशन होता है, होता है रेशो मेंटेन करना पड़ता है, टू इक्वल होता है, तो मेरा जो एडिशन था चल रहा था कैसे चेक क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं यहाँ पर एडिशन लिया और मेरा साइड में क्या था, एक साइड में एडिशन हो रहा था, ये बढ़ते जा रहा था, तो चेक कैसे आएगा, आएगा तो मैं अपना भाई से पूछा, भैया मेरा चेक नहीं आ रहा है, बोला भाई तुम्हारा तो एक साइड बढ़ते जा रहा है, उसका साइड में एडिशन होगा तभी तो आएगा ना, तो मैं बोला क्या करना पड़ेगा, बोला तो एडिशन करवाना पड़ेगा, मैं पांच इन्वाइटी किया और पांच इन्वाइटी करके मैं ले गया, पांच को दिखाया और पांच में मेरा दो ट्री बना था, ठीक है, दो ट्री बना था और वो दो ट्री कौन था, वो दो ट्री यहीं का बंदा था और जिसका नाम था मजनू। Thank you.
मेरा एकदम सबसे बड़ा